उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है। धीरे धीरे इसका ग्लो, ताकत और लचीलापन भी कम होने लगता है। वहीं वक्त बीतने के साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दिल से जुड़ी बीमारियां भी घेरने लगती हैं। लेकिन इन सभी दिक्कतों को दूर करके शरीर को जवानी की तरह स्वस्थ भी रखा जा सकता है। उसका एक उपाय है, वो है योग। हम आपको 5 ऐसे आसन बताने जा रहे हैं जिन्हें प्रतिदिन करने से आप बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही, साथ ही आपके शरीर का लचीलापन बढ़ेगा, वहीं आपके चेहरे में ग्लो भी आएगा और आप एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे। स्टार्ट करो। नमस्कार, मेरा नाम गोकुल संघ बिस्ट है और मैं यहाँ पर योगा टीचर हूँ। अभी मैंने आपको 5 आसन करके दिखाए हैं, तो एक एक करके मैं इनके आपको जो है बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ। पहला आसन है बालासन। तो बालासन वैसे तो सामान्य तौर पर जब हम करते हैं तो ये रिलैक्सेशन पोस्चर के तौर पे करा जाता है। तो जो पहला आसन है वह बालासन, सामान्य तौर पर जब हम बालासन को करते हैं तो इसको रिलैक्सेशन पोस्चर की तरह करा जाता है। जब भी योगा पोस्चर्स कर रहे हैं तो उसके दौरान में हम जो है बालासन को करते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को जैसे स्टेनोसिस है, स्पाइनल स्टेनोसिस या फिर फेसल जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, तो उस केस में अगर ऐसे व्यक्ति बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करेंगे तो उनका पेन बढ़ेगा। तो उस केस में एज ए थेरेपी हम जो है बालासन को कर सकते हैं। अगला जो आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन जिसको कि अंग्रेजी में कोबरा पोज भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो आकार है वो कोबरा स्नेक की तरह होती है, इसलिए इसको कोबरा पोज बोलते हैं। जिन भी व्यक्तियों को कमर दर्द की समस्या है उनके लिए अच्छा अभ्यास है, साथ ही साथ किसी को अगर स्लिप डिस है, साइटिक है, उनके लिए अच्छा अभ्यास है। अगला जो आसन है वो है हलासन। हलासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है, तो ये भी अगर कमर का लचीलापन बढ़ाने के लिए अच्छा अभ्यास है, साथ ही साथ अगर लगातार करने से जो कमर संबंधी जो समस्याएं होती हैं, कमर में जो स्टिफनेस है, कमर दर्द की समस्या है, उसमें लाभ होता है। साथ ही साथ किसी को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है अगर वो इम्बैलेंस है, ऐसे व्यक्ति इस अभ्यास को करेंगे तो उन्हें लाभ होगा। अगला जो आसन है वह चक्रासन। तो ये भी एक बैकवर्ड बेंडिंग का आसन है। ठीक प्रकार से करने पर पूरी छाती का जो है विस्तार हो जाता है, जिससे जो हमारी किसी भी व्यक्ति को अगर अस्थमा की जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए अच्छा अभ्यास है, क्योंकि छाती का जो है विस्तार होता है। साथ ही साथ जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें भी फेस की तरफ आ जाता है, तो फेस में अगर जैसे कोई दाग हैं, धब्बे हैं, तो उसमें भी लाभ होगा। पवन मुक्तासन बहुत ही सरल अभ्यास है। सामान्य तौर पर इसको या तो शुरुआत में करा जाता है या फिर योग क्लास के अंत में इसको करा जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पवन मुक्तासन करने से जो हमारे शरीर में गैस संबंधी जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको गैस की वजह से काफ़ी समस्या होती है, पेट दर्द या फिर चेस्ट में पेन रहता है, ऐसे व्यक्ति अगर इस अभ्यास को करें तो वो गैस वाली जो समस्या है वो गायब हो जाएगी। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।